दोस्तों, बांग्लादेश को अब उसके किए की सजा मिलना शुरू हो चुका है। भारत से उलझना अब उसको महंगा पड़ रहा है। हाल ही में, जैसा कि आप सब जानते होंगे, कि बांग्लादेश की तरफ से पद्म हिल्सा मछली को बैन किया गया था भारत के लिए, और ये बैन खासकर वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि दुर्गा पूजा के मौके पर वहां पर इस मछली का यूज काफी ज्यादा होता है। अब भारत को अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश से इसकी मांग करनी पड़ेगी। इसके लिए भारत को एक्स्ट्रा पैसा भी चुकाना पड़ेगा। हालांकि बांग्लादेश के इस बैन से भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के 24 घंटे के अंदर ही अब अडानी ग्रुप एक्शन में आ चुका है और बांग्लादेश से अपना बकाया पैसा मांग बैठा है। सबसे पहले रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, अडानी ग्रुप वांट्स बांग्लादेश टू पे अप $800 मिलियन इन पावर ड्यूज। ये आर्टिकल मैं आप लोगों को न्यूज ऑथेंटिक है इसीलिए दिखाता हूँ। मेरी हर वीडियो में आर्टिकल रहता है और आर्टिकल के नीचे डेट भी रहती है। आजकल काफी AI चैनल वगैरह आ गए हैं जो कई सारी ओल्ड न्यूज या फिर गलत न्यूज भी दिखाते हैं, तो इसीलिए आप जो भी न्यूज चैनल देखते हैं उसमें आर्टिकल और नीचे डेट जरूर देखा करिएगा। अब दोस्तों, हुआ यह है कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बार बार अनुरोध किया है कि वह उनकी बिजली की बिक्री जुड़े करीब $800 मिलियन के बकाया पैसे तुरंत चुकाए। अडानी पावर झारखंड के गोडा में स्थित अपने कोयला आधारित प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। ये सप्लाई 25 साल के पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत हो रही है, जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी PDB के साथ किया गया है। इस प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है, लेकिन बांग्लादेश को हर दिन 700 से 800 मेगावाट बिजली मिलती है। समझौते के मुताबिक अडानी पावर को हर महीने 90 से $100 मिलियन का भुगतान होना चाहिए, लेकिन अभी तक लगभग $800 मिलियन की राशि की है। इस बकाया को अडानी ग्रुप ने PDB बिजली मंत्रालय, बांग्लादेश बैंक और अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकारों से कई बार चुकाने की मांग की है। इस समझौते के तहत सोनाली बैंक अडानी ग्रुप को डॉलर में भुगतान करती है। ये डॉलर बांग्लादेश बैंक के रिजर्व से भेजे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $20.5 बिलियन रह गया है, जो केवल 3 महीने की आयात जरूरतों को पूरा कर सकता है। 30 जून 2024 तक अडानी पावर का नेट कर्ज घटकर 25,653 करोड़ रुपए हो गया, जो 31 मार्च को 26,545 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की वित्तीय स्थिति कुछ कमजोर हुई है। अडानी पावर का नेट प्रॉफिट क्वार्टर वन 2024-25 में 55.33% घटकर 3,912.79 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 8,759.42 करोड़ रुपए था। लेकिन कंपनी की आय 35.89% बढ़कर 14,955.63 करोड़ रुपए हो गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से अतिरिक्त $3 बिलियन की मांग कर रही है। IMF से पहले ही बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का पैकेज मिला है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और अन्य आर्थिक समस्याओं को देखते हुए और मदद की जरूरत पड़ रही है। अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच चल रहे इस बिजली के भुगतान के विवाद का असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बांग्लादेश सरकार इस बकाया को चुकाने में सक्षम होगा या नहीं। लेकिन ये तो साफ है कि भारत अब बांग्लादेश को बैकफुट पर ढकेलना शुरू कर चुका है और कई तरह के ऐसे स्टेप उठा रहा है जिससे बांग्लादेश को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार और अडानी के द्वारा उठाए गए इन कदमों पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रही है और वहाँ पर सियासत अब तेज हो चुकी है। हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में इसी महीने से चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। वहीं पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है और इसे फिर से बहाल किया जाएगा, भले ही इसमें कई साल लग जाए। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान तब आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब तक BJP सत्ता में है तब तक आर्टिकल 370 की बहाली असंभव है। इस पर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि BJP को आर्टिकल 370 हटाने में कितने साल लगे। उन्होंने कहा कि हम इसे बहाल करने में जितना भी समय लगे, लेकिन इसे जरूर बहाल करेंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है।
इसके साथ ही अब्दुल्ला ने जम्मू में हाल ही में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने दावा किया था कि आर्टिकल 370 आतंकवाद का कारण है, लेकिन इसके हटने के बाद भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ये आतंकवाद कहाँ से आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने इसके अलावा दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी दिल्ली की है। उन्होंने पुराने मामले जैसे कंधार विमान अपहरण का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली को आतंकी मसूर अजहर को रिहा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात उस समय नहीं मानी गई थी। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि जैसे ही हमारी पार्टी जीतकर सत्ता में आएगी, हमारा पहला लक्ष्य यही रहेगा कि 370 को कैसे बहाल किया जाए। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देना। बहरहाल दोस्तों, दोनों बाप बेटे के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। भारतीय नौसेना जल्द ही 26 नए राफेल एम फाइटर जेट्स खरीदने वाली है। ये सौदा करीब 50,000 करोड़ रुपए का होगा और इसे फ्रांस की प्रसिद्ध कंपनी डेसॉल्ट एविएशन से किया जाएगा। डेसॉल्ट एविएशन ने हाल ही में अपनी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को फिर से व्यवस्थित किया है। वहीं इसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना के बाद दुनिया की दूसरी नौसेना होगी जो राफेल एम का इस्तेमाल करेगी। राफेल एम फाइटर जेट्स खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाए गए हैं और भारत के पास भी अपने कैरियर्स पर इन्हें तैनात करने की योजना है। दुनिया में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या सीमित है, इसीलिए भारत राफेल एम का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बनेगा। डेसॉल्ट ने बताया कि वे इस महीने से हर महीने 2 राफेल एम फाइटर जेट्स का उत्पादन शुरू करेंगे और 2025 तक ये उत्पादन बढ़ाकर 3 जेट्स प्रतिमाह कर दिया जाएगा। ये फाइटर जेट्स अपनी बेहतरीन तकनीक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और इनकी खरीद भारतीय नौसेना के बेड़े को और भी मजबूत बनाएगी। वहीं कंपनी की तरफ से बताया गया है कि हम जल्दी भारतीय नौसेना की जो रिक्वायरमेंट है वह डील साइन करने के तुरंत बाद पूरी करना शुरू कर देंगे। वहीं पर अब उत्पादन स्टार्ट होने से भारतीय नौसेना को भी जल्द ही राफेल एम मिल पाएंगे। राफेल एम भारत में आने के बाद भारत दूसरा ऐसा देश होगा जो इस फाइटर जेट को इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें कि जब भारत ने वायुसेना के लिए राफेल फाइटर जेट को सेलेक्ट किया था, उस समय राफेल को इतनी सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही भारत ने इसकी खरीद की, उसके बाद दुनिया भर के देशों के द्वारा लाइन लग गई इस फाइटर जेट को लेने के लिए। और अब एक बार फिर से राफेल एम भी लेने वाला भारत पहला देश होगा और दूसरी नौसेना होगी जो इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। और इससे हो सकता है कि इन फ्यूचर फ्रांस को और भी अन्य देशों से बड़े बड़े ऑर्डर मिल पाए। दरअसल इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है कि दुनिया की जब ताकतवर वायुसेना और नौसेना इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी तो बाकी देशों पर इसका असर पड़ता है और वह इस फाइटर जेट की तरफ आकर्षित होते हैं। यही चीज हमने राफेल वायुसेना वाले वेरिएंट में भी देखा था। फ्रांस लगातार भारत के डिफेंस मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा है और रूस और अमेरिका के विकल्प में एक मजबूत पार्टनर बनकर सामने आ रहा है। वहीं पर इस फाइटर जेट डील के बाद हो सकता है कि भारत इंजन की डील भी अमेरिका की बजाय फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ ही साइन कर ले। इसके अलावा डेसॉल्ट एविएशन भारत के नोएडा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे पता लगता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत होते जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो। डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।